मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। मैं हूँ आपका अपना ट्रैवलिंग पहाड़ी यूके। मेरा नाम है कुलदीप चंद। आज मैं ले चलता हूँ आपको धनुषकोडी। हमने किया था रामेश्वरम के पास से ऑटो, जिसका रेंट लेते हैं तकरीबन 1000 से 1200 रुपए। पर अगर आप थोड़ा सा बार्गेनिंग करेंगे तो 800-900 में तैयार हो जाएगा वो आपको रामेश्वरम मंदिर के आसपास की 10 से 15 चीजें घुमाने के लिए, जिसमें अब्दुल कलाम जी का हाउस जो म्यूजियम में कन्वर्ट है, पंचमुखी हनुमान मंदिर, विभीषण मंदिर, इसी तरह के और भी कुछ प्लेसेस जो आसपास ही हैं मंदिर के, तो आप वो ले सकते हैं। ज़्यादा नहीं है, 1000 से 1200 रुपए, पर अगर आप बार्गेनिंग करते हैं तो 800 से 1000 रुपए मान के चलिए। और हमारे पास था टाइम थोड़ा कम, तो हमने ऑटो सिर्फ किया धनुषकोटी के लिए और अब्दुल कलाम जी के हाउस के लिए। राम सेतु साथ में था क्योंकि वो धनुषकोटी के रास्ते में ही पड़ जाता है। तो लिए चलते हैं आपको सीधे धनुषकोटी। रास्ता इतना सुंदर, दोनों तरफ समंदर और नीला आसमान। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए ट्रैवलिंग पहाड़ी यूके। तो फ्रेंड्स, जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार था, ये है वो लास्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, जिसके बाद आगे 3 किलोमीटर तक समंदर इंडिया में है और उसके बाद 15 किलोमीटर यानी कि सिर्फ 18 किलोमीटर जाता है यहाँ से श्रीलंका। पर रास्ता जो पहले राम सेतु था, अब खत्म हो चुका है और यहाँ पे कर रहे थे हम फुल मस्ती। कहाँ है संगम, है कहाँ, दिखते हैं क्या अलग अलग दो। और यहाँ पे बताते हैं बंगाल की खाड़ी वाला हिस्सा, इंडियन ओशन और अरेबियन सी, ये सब आपस में एक दूसरे को क्रॉस करते हैं क्योंकि समंदर है चारों तरफ। तो वो अलग अलग, ऐसा कोई प्रॉपर पॉइंट नहीं है कि यहाँ पे इंटर क्रॉस करते हैं, सब मिला हुआ है। पर यहाँ ये तीन चीज़ें आपस में मिलती हैं और ये सब देखकर याद आती है सबसे पहले श्री रामचंद्र जी की, जिन्होंने वो भव्य निर्माण किया उस रास्ते का, इस उछल पुथल वाले समंदर पे। और अगर हम यही मैप में देखते हैं तो आप बिल्कुल मेरे सामने देख रहे होंगे अभी रामेश्वरम वाला ये रास्ता जो आगे तक जाता है, जहाँ पे धनुषकोडी लिखा हुआ है। ये येलो पॉइंट जो है ये लास्ट है, इसके आगे का रास्ता सिर्फ अगर सैटेलाइट तस्वीरों में दिखाई देता है, वो इतना नीचे समंदर में हो गया है जब सुनामी आया। वैसे ये 1400 ईस्वी के आसपास ही रास्ता खत्म हो गया था, ऐसा अभिलेख मिल जाता है किताबों में लिखा हुआ। तो ये येलो पॉइंट लास्ट है जहाँ पे इंडिया का वो सर्कल वाला बॉर्डर बना हुआ है, उसके बाद आगे 3 किलोमीटर इंडिया में और बाकी सब श्रीलंका में समंदर है। और मेरे पीछे आप प्रवीण जी को देख रहे होंगे मजे लेते हुए। और ये पीछे सागर की लहरें, ये स्थान है धनुषकोटी, जहाँ से राम जी ने रास्ता बनाया था लंका जाने के लिए। तो ये वो स्थान है। अब आगे का रास्ता तो दिखता नहीं है, पर बीच बीच में काफी ऊंची ऊंची जमीनें हैं, जैसे कि आपको ठीक मेरे पीछे दिखी होगी, तो उठा हुआ पहाड़ है, यानी कि वहाँ रेत काफी इकट्ठा हो गया है। तो इसी तरह का रास्ता, ये लास्ट वो जगह जहाँ तक भारत की रोड जाती है, इसके बाद श्रीलंका थोड़ी दूर हम पे और धनुषकोटी पर काफी लोग हर साल हर महीने एंजॉय करने, ये देख रहे होंगे आप मेरे पीछे भीड़। और ये साथ में बच्चे सुमन जो प्रवीण के दोस्त हैं, ये साथ में है हमारे और एंजॉय कर रहे हैं, बिल्कुल मजा ले रहे हैं समंदर की लहरों के साथ अटखेलिया करते हुए। बाकी समंदर का अपना ही मजा है, जब पानी बहक जाता है ना तब तो और ही मजा आता है। जोर शोर से अपना शौर्य प्रदर्शन करती हुई। और मेरे जस्ट पीछे आप अशोक की लाट के तरह बना एक चिन्ह देख रहे होंगे जो बताता है कि देश की सीमा यहीं तक है। और ये ऐसा सर्कल है जिसके चारों ओर सिर्फ समंदर और समंदर।
सिर्फ एक ही रास्ता मेरे पीछे जो वापस हमें ले जाएगा रामेश्वरम। और ये एक गोल सर्कल यहाँ पे बना रखा है। और एक तरफ यह है इंडिया का आखिरी छोर धनुषकोटी, और दूसरी तरफ जो रास्ता जाता है वहां से आप जम्मू कश्मीर यानी कि कश्मीर तक जा सकते हैं। वो ये देखिए चारों तरफ सिर्फ समंदर ही समंदर और सिर्फ ये वापस रामेश्वरम का रास्ता। बाकी चारों तरफ समंदर। और कुछ देर मनोरंजन करने के बाद वापस निकल गए हम रामेश्वरम के लिए इसी ऑटो में जो हमने किया था। यहाँ से जाते हैं सीधे APJ अब्दुल कलाम जी के हाउस। तो आइए दिखाते हैं, वहीं मिलते हैं आपसे। हाउस ऑफ कलाम, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का घर। हाउस ऑफ कलाम रामेश्वरम। कलाम जी का हाउस जो अब म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया, अंदर फोटो अलाउ नहीं था तो सिर्फ मैंने आपको बाहर से दिखाया। ये है वो मेरे पीछे कलाम जी का हाउस रामेश्वरम में, जो अब एक म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया है। यहाँ दिखाते हैं कलाम जी के अवार्ड्स, उनकी बुक सेल्स, बच्चों के उनके प्रति लेटर, या उन्होंने जो जो मिसाइलें या सैटेलाइट लॉन्च की उन सबका आपको यहाँ मिल जाता है देखने के लिए। और इसके बाद आ गए हम वापस अग्नि तीर्थ स्तंभ, जहाँ पे फेरीज बुक होती हैं। तो आइए लिए चलते हैं समंदर की। 500 रुपीज फेरी, आप समंदर में आनंद ले सकते हैं वोटिंग का। ये उसी के लिए रामेश्वरम वोटिंग, शिवा वोटिंग रामेश्वरम। टिकट काउंटर से हमने लिया फेरी टिकट और अब चलते हैं समंदर में। फेरी धीरे धीरे किनारे पे आती हुई। और ये फेरी की आखिरी लाइन आ गई, लास्ट फेरी है, बस किसी तरह मिल गई। सुमन तुम्हारा थोड़ा दूर बैठा है, सुमन वे आए। चलिए संचालक महोदय इस फेरी के, तो ये हो गई है स्टार्ट। और अब बोट में घूमने जा रहे भाई लोग रामेश्वरम समुंदर। लाइक करो, फॉलो करो, सब्सक्राइब करो। सुमन स्टार्ट जर्नी। और ये देखिए अतः समंदर सामने, उसमें हमारी शिप आगे बढ़ती है।
समंदर से केसरिया आसमान और रामेश्वरम मंदिर का शानदार नजारा देखते ही मनमोहित करने वाला नजारा। ये हमारे सीनियर नाविक जिनकी देख रेख में जहाज आगे बढ़ रहा है। और ये हमारे और ये वापस वो यथास्थान पर पहुंचते हुए जहां से स्टार्ट हुई थी। और ये सुहाना सा मौसम, मस्त नजारा है। और इस तरह से एक रास्ता तैयार। ओके, बाकी लोग और वापस फेरी की यात्रा समाप्त। आधा घंटा टाइम पीरियड है इसका, पर अच्छा था। हर चीज का अपना एक आनंद है, अपना एक मजा है, वो जरूर लेना चाहिए। और इसी तरह की नई जानकारियां जानने के लिए देखते रहिए ट्रैवलिंग पार्टी आपका पसंद। इसी तरह की ट्रैवल वीडियोस में मैं आपको नई नई जगह घुमाता रहूंगा। प्लीज चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें ट्रैवलिंग पार्टी। और हम नॉर्थ गेट से बाहर निकल के ये है श्री रामकृष्ण मठम। यहीं पे बस का इंतजार, यहाँ से MGR स्टेशन के लिए, वहां से मदुरई, फिर मदुरई से निकलेंगे केरला। तो पुलिस वाले भैया बहुत सपोर्टिव, उन्होंने कहा रिक्शा लेने की जरूरत नहीं है, यहीं बस आ जाती है, थोड़ा वेट करो बस आ जाएगी। तो कुछ लोग यहाँ के बहुत ही अच्छे, समझने वाले यात्रियों का दर्द। तो फ्रेंड्स हम रामेश्वरम से निकल गए हैं भोलेनाथ जी के दर्शन करके, और अब सीधे जा रहे हैं यहाँ से मदुरई। मदुरई से निकलेंगे केरला पद्मनाथन स्वामी के दर्शन करने। तो फिर मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में, तो देखते रहिए ट्रैवलिंग पार्टी।